दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि 2019 से एक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रही है, साउथ के जाने माने डायरेक्टर यानी कि इटली को लेकर, जिसमें ये बात कही जा रही है कि वो बहुत जल्दी ही किंग खान को लेकर एक फिल्म बनाने वाले हैं। और दोस्तों अब तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही इस फिल्म की घोषणा ऑफिशियली कर दी जाएगी। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान से और उसके साथ साउथ इंडस्ट्री के उभरते हुए युवा डायरेक्टर यानी कि इटली से। तो दोस्तों आपको याद ही हुआ कि 2020 से लेकर 2021 तक एक खबर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही थी कि भाई इन दिनों शाहरुख खान के पास बैक टू बैक कई सारी फिल्में हैं, यानी कि भैया उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही थी कि वो इन दिनों इन चार डायरेक्टर के साथ फिल्म बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। एक फिल्म का तो काम शुरू हो चुका है सिद्धार्थ आनंद के साथ, तो दूसरी फिल्म को लेकर ये जानकारी सामने आई थी कि भाई मुन्ना भाई और उसके साथ संजू जैसी बेहतरीन फिल्में दे चुके राजकुमार हिरानी भी शाहरुख खान को लेकर एक फिल्म बनाने वाले हैं। और उसके बाद राज एंड डीके की जोड़ी को लेकर भी ये बात कही जा रही है, जो कि भैया इन दिनों अपनी आने वाली वेब सीरीज यानी कि फैमिली मैन के सीजन 2 को लेकर काफी चर्चाओं में है। शाहरुख खान इनकी फिल्म में भी नजर आएंगे। और उसके साथ जब इटली को आईपीएल के दौरान शाहरुख खान के साथ देखा गया था तो उसी वक्त से खबरों का बाजार गर्म हो गया था कि इटली भी बहुत जल्दी ही किंग खान को लेकर एक फिल्म बनाने वाले हैं। और भाई इस बात को लेकर ये जानकारी भी मैंने आप लोगों को दी थी कि भैया इस फिल्म की तैयारियों के लिए इटली अपनी टीम के साथ मद्रास से निकलकर मुंबई तक आ चुके थे, यानी कि 2020 में ये खबर सामने आई थी कि इटली ने अपना एक ऑफिस होला है मुंबई में, जहां पर वो रहते हुए शाहरुख खान की आने वाली इस फिल्म की तैयारियां पूरी कर सकें। और बीच में मैंने आपको ये जानकारी भी दी थी कि भैया उन्होंने शाहरुख खान को अपनी आने वाली इस फिल्म का कॉन्सेप्ट भी सुनाया था, जिसमें शाहरुख खान को कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां नजर आई थी, जिसको लेकर उन्होंने इटली से कहा था कि आप स्क्रिप्ट पर थोड़ा सा काम और करें। और भाई अब इटली की आने वाली इस फिल्म को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि भाई इटली ने जो वो एरर था कॉन्सेप्ट में उसे ठीक कर लिया है और फाइनली उन्होंने अपना आखिरी ड्राफ्ट यानी कि फाइनल ड्राफ्ट जो है वो किंग खान को सुना दिया है। यानी कि खबरों की माने तो शाहरुख खान को इटली का ये वाला ड्राफ्ट यानी कि फाइनल ड्राफ्ट पसंद आ गया है और बहुत जल्दी ही इटली की इस फिल्म की घोषणा ऑफिशियली की जा सकती है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि जैसे ही पठान का काम कंप्लीट कर लेंगे शाहरुख खान, उसके बाद वो इस फिल्म का काम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि भाई इटली की टीम और उसके साथ में किंग खान इस फिल्म को लेकर कब घोषणा करते हैं। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई किंग खान और इटली की जब जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो क्या ये जोड़ी बिगल से भी बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी, जो कि भैया विजय सेतुपति की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।